राम का नाम सब काम सब जगह काम आता है। अच्छा करो तो राम राम, मिलो तो राम राम, गलत हो जाए तो राम राम, सही हो जाए तो जय राम, अपनी ज्यादा की बेटी राम राम सत्य। तो राम की महिमा हिंदू के हिंदू धर्म के लिए अकल्पनीय है एकदम बिना इसके। नेपाल में और ये दूसरा कोई सवाल नहीं, हमारे अपने लोग उठाते हैं और जवाब देने के क्रम में हमारे रामायण रिसर्च काउंसिल के सम्मानित प्रबंधक हमारे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान राजीव सिंह भैया जवाब देते रहते हैं सबको। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हाई माता सीता भगवती ही नहीं हमारे देश की संस्कृति और संस्कार के प्रतिमूर्ति भी है। उनका भव्य प्रतिमा हम सबों के लिए और खास करके हमारे नौजवान भाइयों बहनों बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक तमाम भगवान राम और माता सीता जी के पास हमको हम सब के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि रामायण काउंसिल के तत्वाधान में माता सीता जी का सीता जी की प्रतिमा का बनाने का निश्चय और दृढ़ संकल्प किया है जहां उनका जन्म हुआ था। जिसके मन में मां जानकी के प्रति, जानकी जन्म स्थान के प्रति और इस पूरे अभियान के प्रति एक सकारात्मक आकर्षण न बने, इस प्रकार का आकर्षण जब बनेगा और उस परिस्थिति में सब हाथ लगेंगे, सबका योगदान लगेगा तो माँ जानकी का मंदिर बनेगा। पर जो माँ जानकी का मंदिर बनाने से हमारे देश में मंदिर नहीं है, बार बार कहा जाता है संस्कृति और संस्कार की बात, तो हमारे यहाँ साधु संतों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि मंदिर में प्रवेश करना तो अपने जूते बाहर निकाल कर जाना यही संस्कार है। उसके तो आप सोच सकते हैं भारत दुनिया के मानस पटल पर कितना सुंदर देश होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। हम लोगों ने सुना है, देखा है, पढ़ा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आंखों के सामने एक बार फिर भारत का प्राचीन गौरवशाली इतिहास हमारे सामने आ रहा है। हम उसके भुक्तभोगी हैं, जी रहे हैं उस जीवन में। हमारी आंखों के सामने ही यह भव्य मंदिर निर्माण हो, बिहार सब प्रकार से समरस एकरस होकर सबकी आवाज एक जैसी बने, इस पर किसी प्रकार का अंतर नहीं रहे, इस प्रकार की व्यवस्था और रिसर्च काउंसिल के लोग तो कर रहे हैं, शायद सभा उसी के लिए हुई है। हम सब मिलकर इस प्रकार का वातावरण बनाएं कि बिहार के जन जन, बिहार के मन मन में, हर परिवार, गांव, समाज में एक वातावरण बने, यह हमारा काम है और इस काम को हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा गौरव तो बढ़ेगा, माँ जानकी का मंदिर बनेगा, बिहार का स्थान फिर और भारत के मानस पटल पर इस तरह से दुनिया में भारत है वैसे भारत में बिहार है, बिहार को उस स्थान पर फिर से लाने का श्रेय हमारी आंखों के सामने हम सब लोगों के प्रयास से मिले, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रिसर्च काउंसिल ने ये वातावरण बनाया है, हमारे अयोध्या ट्रस्ट के ट्रस्टी माननीय कामेश्वर चौपाल जी, वो विश्व परिषद के बिहार के भी नेता है और वो लगे हुए हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल और हम सब लोग मिलकर जिस प्रकार का आंदोलन राम जन्मभूमि के लिए हुआ, जिस प्रकार का वातावरण बना, वह उससे तीव्र वातावरण हम बिहार के स्तर पर देश की बात बाद में करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हम बिहार में सब लोगों को मिलाकर बिहार के हर परिवार, हर व्यक्ति के जुबान पर माँ जानकी का नाम आए, माँ जानकी के जन्म स्थान की चर्चा हो,
और यह इस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए कि बिहार की झंकार इस प्रकार का एक आवाज विकसित करे कि संपूर्ण देश जिस तरह से अयोध्या में लगा उस तरह से लग करके हम और उस मंदिर निर्माण के लगे। देखिए मंदिर निर्माण बिहार में बनाया, अगर मिथिला में उनका विवाह नहीं हुआ होता तो शायद राम आदि में नहीं थे। सब शिक्षा दीक्षा के बावजूद भी भारत की सांस्कृतिक परंपरा है, उस परंपरा में मिथिला ने उनको अपने यहां विवाह तो किया ही, उनको रखकर व्यवहार के जो गुण सिखाए उस व्यवहार में ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राम बनाया। 1901 में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण है कि आज 100 लोग इस देश में भारत को अपना मानने वाले नहीं है, अगर 100 लोग मेरे पास होते तो मैं अपनी आंखों के सामने भारत माता को परम वैभव पर डॉक्टर आर एन सिंह जी मानव सम्मेलन का क्या ये मेरा संकल्प सही होगा कि ये बराबर कह देते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर कहीं ये बात सही बनी कहीं मंदिर का निर्माण में कुछ दिक्कत आया तो शायद लोग मुझे कहेंगे कि इनका अनुरोध अच्छा नहीं था। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया माता सीता प्रदान होती है, और अगर हम ये परिकल्पना न करें कि सीता जी के जन्मभूमि पर कोई मंदिर बने तो शायद हमारा राम का संकल्प भी अधूरा है। इसीलिए जब हमें कहा गया कि राम सीता जी के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा तो मैंने कहा कि राम के काम में मैं कभी ना नहीं खाने वाला हूं, जिन्होंने मुझे याद आया है मैं उनकी अवहेलना कैसे कर सकता हूं, और आप जो मेरे पास आए हैं ये उन्हीं के प्रेरणा से आए हैं, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि इस तरह के काल में मेरा नाम जुड़ रहा है। 500 साल से हम लोगों ने राम जन्मभूमि के ऊपर संघर्ष किया और तरह तरह की घटनाएं होते हुए एक समय आया जब हम लोगों ने विजय प्राप्त की और आज हमारे बीच कामेश्वर चौपाल जी मंच पर आसीन है। ये प्रचंड अंश रख करके राम जन्मभूमि पर मंदिर का स्थापना करना।